एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, है ना, बुकों में कहीं कहीं पर डायरेक्ट ऐसे बोलता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, पूछने का मतलब वो ई ही पूछ रहा है आपसे, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछ रहा है। जब भी एग्जाम में बोले कि इस बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक धन आवेश ले लेते हैं और इससे r दूरी के ऊपर एक बिंदु P ले लेते हैं ना, जिसपे हमें क्या ज्ञात करना है, इस स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। और ये स्रोत आवेश कितना है, मान लो धनात्मक आवेश है प्लस Q के ले रहे। सबसे पहले ये तो बात करेंगे कि सर हमारे पास आवेश होगा, इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है वो कितना प्रबल है, अरे वही तो हम निकाले, उसी को तो हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इस बिंदु आवेश के चारों तरफ यहाँ विद्युत क्षेत्र कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक बस सोचना टॉपिक हो गया कि सर हम इस बिंदु पे क्या करेंगे, एक परीक्षण धन आवेश को ला के रखेंगे क्यू नोट, और इस पे बल लगेगा इस दिशा में, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो ये हो गया हमारे पास में F वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो परिमाण है, दिशा भी देना जरूरी है अपने को, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे F वेक्टर लगाया है, तो ये तो हो गया परिमाण। अब ये बल की दिशा में लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको O पॉइंट देता हूँ, O से P दिशा की ओर, O P दिशा की ओर एक इकाई सदिश ले लेता हूँ और उसको मैं नेम दे देता हूँ आर केप, है ना, आर केप यहाँ पे क्या है, आर केप ओ पी दिशा में, ओ से लेके पी की दिशा में एक इकाई सदिश है, जो किसको निरूपित कर रहा है, जो बल की दिशा को निरूपित कर रहा है, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, आर केप। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना हमने लिखा क्या, कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू क्या है, स्रोत आवेश है ना, कैपिटल क्यू क्या है हमारे पास में, स्रोत आवेश है। बिंदु पी क्या है, बिंदु पी है परीक्षण बिंदु, है ना, परीक्षण बिंदु जहां प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है यहाँ तक, और क्या बचा, क्यू नोट क्या है, क्यू नोट हमारे पास में है परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्टिंग ला के रखना ही पड़ेगा। और क्या बचा, OP equals to R, R क्या है, स्रोत बिंदु आवेश से प्रश्न बिंदु की दूरी, है ना, स्रोत आवेश से, स्रोत आवेश से परीक्षण धनावेश की दूरी, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सब चीजें हमने मान ली, थ्योरी में ऐसे ही लिखना है एग्जाम के अंदर, ये सबसे बेटर आइडिया है सर एग्जाम में, थ्योरी में थ्योरी कैसे लिखी जाती है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया कि हम क्या कर रहे हैं कि स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का ज्ञात करेंगे, हमारा एक एकल बिंदु आवेश है विलगित, इसके आसपास में कोई और आवेश नहीं होना चाहिए। तो इससे r दूरी के ऊपर हमने बिंदु P लिया जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी, तो करने के लिए क्या करेंगे सर, वहाँ पे परीक्षण धनावेश रखना ही पड़ेगा, तो जैसे ही हम परीक्षण धनावेश ला के रखेंगे अरे तो बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, इस बल में किसका भाग देना है सर, लाए गए आवेश का भाग देना है। अरे आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा सर, कूलाम के नियम में जो बल लग रहा है ना उसमें एक क्यू को उठाना है, और कौन से वाले क्यू को उठाना है, जिसको आप लेके आए हो, जो स्रोत आवेश उसको नहीं उठाना, तो फॉर्मूला हो गया होगा अब क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये सिंपल थ्योरी होगी, थ्योरी को मिटा रहा हूँ मैं, इतना से लिखना है। अब सीधा हम डायरेक्ट बोलेंगे कि परीक्षण आवेश पे लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ये तो जैसे जैसे डायग्राम बना हुआ वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलो ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, परीक्षण धनावेश पर, परीक्षण धनावेश पर आरोपित विद्युत बल, आरोपित विद्युत बल कितना हो जाएगा सर, वो आ रहा है हमारे पास में F वेक्टर इक्वल टू के Q
क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और ये हो गया आर केप। अरे ये तो है जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, इतना बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, कि परिभाषा से क्या है परिभाषा, परिभाषा है E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नोट। F वेक्टर का मान रखो K Q Q नोट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हो गया R केप, और नीचे किसका डिवाइड कर रखा है हमने, Q नोट का। अरे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यही तो है, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट, अभी हमने जस्ट किया है। तो देखो बेटा क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के, ठीक है ना। तो ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया सर, ई वेक्टर इक्वल टू आ रहा है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहाँ आ गया क्या, आर के पे। ये तो हो गया सदिश रूप में। केवल मैं बात करूँ परिमाण की, केवल मैं बात करूँ बेटा किसकी, परिमाण, तो E वेक्टर का जो परिमाण हो कितना हो जाएगा, ओनली के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिशा नहीं देंगे बस, और न्यूमेरिकल हमें इसी फॉर्मूले से करने हैं सारे, सभी न्यूमेरिकल हमें किससे करने हैं, इसी से करने हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पहले सारी चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है, उन बारीक पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो दो आवेशों का गुणा आया था ना, उसमें से एक आवेश को उठाना है बस, और कौन से आवेश को उठाना है, लाया गया आवेश। देखो फॉर्मूला इज इट वैसा का मिल रहा है, बस एक क्यू गायब है यहाँ पे। दूसरी चीज सर, आप आवेश को उठा रहे, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्यों, क्योंकि परीक्षण आवेश केवल परीक्षण के लिए काम लिया जाता है, परीक्षण आवेश केवल परीक्षण के लिए काम लिया जाता है भाई, उसकी विद्युत क्षेत्र तो सुनना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी है, ये वो विद्युत क्षेत्र इसका है ना कि उसका है, उसको तो हम खाली टेस्टिंग के लिए लेके आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश के परिमाण के समानुपाती है। दूसरी बात, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी स्रोत आवेश से, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, देखो व्युत्क्रमानुपाती रूप में, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दिख रहा है यहाँ पे। तीसरी चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पे भी निर्भर करती है, देखो यहाँ पे, यदि निर्वात है तो के का मान 9 × 10⁻¹, यदि कोई आपके पास में माध्यम है तो के का मान हो जाएगा 1/4πε, ठीक है। तो इन सबको हम नोट में लिख लेते हैं कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, आराम से, तो ईजी वे में आराम समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसमें अगर हम बात करें नोट की, तो देखो नोट में हमें क्या क्या पता लग रहा है, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, देखना सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ई समानुपाती है कैपिटल क्यू के, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, कोई ग्राफ पूछ ले कि Q और E के बीच ग्राफ बनाना है, तो जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, समानुपाती है भाई, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो E समानुपाती 1/r², मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अगर हम इसके लिए ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा और अनंत पे जाकर टच होएगा, तो ये तो हो गई आर और ये हो गया ई, ठीक है ना, ये तो क्या है दूरी और यहाँ क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल दिया मैंने, चलो क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब सर ई समानुपाती होता है 1/r² के। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ, तो ई
इक्वल टू क्या आ रहा है, आपने भी देखा सर अगर हम निर्वात की बात करें तो बेटा ध्यान रखना निर्वात में अगर हम बात करें तो इको में ई नोट लिख देता हूँ, के किधर क्या आएगा 1/4 pi epsilon naught और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के किधर क्या आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught। अगर मैं बात करूँ माध्यम में, माध्यम में तो इसको मैंने माना है ई एम और ई एम का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 pi epsilon naught, सॉरी epsilon naught की जगह epsilon आएगा ना। निर्वात के लिए तो बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात की विद्युतशीलता, और माध्यम के लिए क्या बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। अगर हम इन दोनों टर्म्स की कंडीशन को यहाँ पे देखें सर, वो जो आपने माध्यम लिया है अगर उसका परावैद्युतांक या उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, कितनी है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और नीचे आपका आर स्क्वायर है और ऊपर क्या है कैपिटल क्यू। ये इक्वेशन दो सबको पता है, फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। आप खुद बताओ माध्यम की विद्युतशीलता कितनी आ रही है, दोनों गुणा करने से आ रही, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर आप ले सकते हो। समीकरण एक व दो को ना, समीकरण एक व दो को एक बार चेक करो। देखें सर ये टर्म सब सेम है, बस नीचे एप्सिलॉन ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये चीज़ वही बात हो गई सर जब आपने क्या कहा था, जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच जो विद्युत बल लगता है निर्वात में वो ज़्यादा होता है और माध्यम में क्या हो जाता है कम हो जाता है। ये लॉजिक यहाँ पर है, यदि आप किसी आवेश के चारों तरफ कोई माध्यम रख देते हो तो उसकी विद्युत क्षेत्रीयता उस बिंदु पे क्या हो जाती है घट जाती है, और कितना टाइम में जाती है देखो, आप खुद देखो ई एम के अंदर ध्यान रखना मैं ई नोट का भाग दे रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या टर्म आ रही है 1/ε टर्म आ रही है, खुद देख लो यहाँ पे क्या आ रही है 1/ε टर्म अलग से आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब मेरे पास में हो गया कि जो ई एम है माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र का 1/ε गुना हो जाता है, 1/ε गुना हो जाता है। मतलब यदि आपको निर्वात में दिया गया है, जैसे कि इस पे इक्वेशन ले लेते हैं हल्का सा, आपको क्या बोला गया है कि 5 मीटर की दूरी पर निर्वात में किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 25 newton per coulomb है। अब आपको बुलाया गया कि इस आवेश के चारों तरफ एक माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है अपेक्षित परावैद्युतांक, सॉरी परावैद्युतांक बोलेंगे अपेक्षित तो विद्युतशीलता होती है ना, उसका आपको दिया हुआ है 5 है, ठीक है ना। इसका कोई मात्रक होता नहीं एप्सिलॉन का, पता है ना अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है विमाहीन मात्रक होता है, वो सॉरी विमाहीन राशि होती है। चलो एप्सिलॉन इक्वल टू 5 आ गया। अब बोला गया कि उसी बिंदु पर वापिस विद्युत क्षेत्रता क्या होगी, मतलब ये बोल दिया ई एम और ये क्या थी ई नोट, तो ई नोट आपको 25 newton per coulomb दी थी 5 मीटर की दूरी पर, कब जब आवेश के चारों तरफ क्या था निर्वात था। अब मैंने बोल दिया कि इस आवेश के चारों तरफ क्या रख दिया एक परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता कितनी होगी, अरे बस सिंपल से ट्रिक बताइए ना, आपने परावैद्युतांक किस मान का रखा है 5, तो 1/5 गुना हो जाएगी, 25 का 1/5 गुना 5। फॉर्मूले से हम करेंगे सर ई एम इक्व टू क्या हो गया ई नोट डिवाइडेड बाई एप्सन आर, सर ई नोट का मान 25 एप्सन आर का मान 5, तो विद्युत क्षेत्रता कितनी हो गई 5 newton per coulomb। बताओ देखा ठीक नहीं घटी, घटती है बिल्कुल, विद्युत बल भी घटता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है। क्लियर है यहाँ तक, ये 1, 2 और 3 ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है 1, 2 और 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके समझाएं और आराम समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक, ठीक है इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं एक दो, चलो इस पे वो मिटा लेते हैं। एकल बिंदु ऐसे गण विद्युत क्षेत्र निकाली हमने, क्या क्या पॉइंट है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या है। देखो आपको बेटा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 1 nanocoulomb
आवेश के कारण उससे एक मीटर की दूरी पर, उससे एक मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हम निर्वात की ही बात करें, जब क्वेश्चन में कोई माध्यम की बात नहीं करे बेटा, हमेशा क्या लेके चलना है, निर्वात ही लेके चलना है, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसे क्वेश्चन में क्या क्या बोला है बस। क्वेश्चन ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है, सर फॉर्मूले तो सारे याद है लेकिन क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होते। तो क्वेश्चन सोल्व होने का तरीका है, पहले टॉपिक इस जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको समझो कि पूछा क्या है, तब जाके फॉर्मूला समझ आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम में आएगा। एक नैनोकूलम आवेश, मतलब एक कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है, उससे एक मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की याद करनी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सर किसी एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक आपको याद है ही, तो ये भी पता लग गया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम में आने वाला है। तो हम जानते हैं क्या, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे यही तो होती है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, के का मान निर्वात के लिए 9 × 10⁻¹, क्यू का मान 1 नैनोकूलम, तो नैनोकूलम को कूलम में चेंज करते तो क्या करते हैं, 10⁻¹⁹ से गुणा करते हैं, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, तो मीटर में ही ध्यान रखना, अगर एग्जाम में सेंटीमीटर में देता है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना जरूर पहले, लेकिन वो पहले से मीटर में है इसलिए मीटर का मीटर ही आएगा, क्योंकि सभी जो वैल्यूज है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो भी हमारे पास यहाँ टर्म्स है उन सबको हम जनरली एम के एस या एस आई सिस्टम में ही यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 9, देखो 9 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 9 कितना हो गया 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 1, 1 को 1 से मिल जाए तो भी 1 ही आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर तो भी 1 ही आएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, 9 न्यूटन पर कूलम, और यही हमारा आंसर है। सिंपल है बच्चों, अरे सिंपल है कि नहीं सर, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके दूसरे टाइप का हम बात करें, दूसरे टाइप के अगर क्वेश्चन की तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास यहाँ, ठीक है यहाँ तक। चलो दूसरा हम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल और ले लेते हैं और फिर करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसी एकल बिंदु आवेश से किसी एकल बिंदु आवेश से एक मीटर की दूरी पर, एक मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं अगर दूं एकल बिंदु आवेश हम ले लेते हैं 9 माइक्रोकूलम है ना, कितना ले लेता हूं मैं 9 माइक्रोकूलम। तो किसी एकल बिंदु आवेश 9 माइक्रो की जगह, सॉरी मैं पिकोकूलम ले लेता हूं, थोड़ा सा और हल्का सा सिंपल कर लेते हैं, किसी एकल बिंदु आवेश 9 पिकोकूलम से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है आपको, आपको दी हुई है यहाँ पे 9 न्यूटन पर कूलम है, 9 न्यूटन पर कूलम है। तो उस बिंदु आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए वो दूरी ज्ञात करनी है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र कितनी मिली है, 9 न्यूटन पर कूलम मिली है, और बिंदु आवेश कितना दिया हुआ है, 9 पिको कूलम। बताओ कैसे करें, फॉर्मूला तो वही लगाना है भाई, सीधी सी बात है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दूरी पूछ ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन को तो घुमाया जा सकता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता लग गया कि यह किस टाइप का क्वेश्चन है। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्या पूछा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पहले ले लेते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई ई, हमें आर निकालना है, तो ये क्या हो गया, रूट के क्यू बटे ई। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर जाता है के क्यू वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻¹। क्यू कितना है बेटा, क्यू है 9 पीको कूलम, तो कितना हो गया 10⁻²। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और ई कितना है, ई हमें दिया है 9 न्यूटन/कूलम, तो मैंने यहाँ पे 9 रख दिया। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे हो रहा है। अगर कोई बच्चा कहे कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा रूट में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे अलग ले देगा, यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि 0.9 न्यूटन/कूलम है मान लो, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ई की वैल्यू 0.9/कूलम रख दिया आपको, जो भी वैल्यू है न्यूटन/कूलम, तो ये न्यूमेरिकल और सिंपल हो जाता है। कैसे, 0.9 को हम क्या ले सकते हैं, 0.9 को हम ले सकते हैं सर 9 × 10⁻¹। सही है ना, क्लियर है? देखो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो रहा है यहाँ पे, सर 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻¹ ऊपर जाएगा, 10⁻¹ ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 10⁻¹ ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 9 × 10⁻¹⁰, और यहाँ हो जाएगा 10⁻², है ना, 10⁻²। तो कितना हो गया सर, 9 × 10⁻²। तो आंसर कितना रहा है सर, 9√3 और 10⁻²² का अंडर रूट 10⁻¹, है ना। तो आंसर हमारे पास में कितना आया, 0.3 मीटर डिस्टेंस, मतलब 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। दूरी कितनी आई हमारे पास में, 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 पिकोकूलम से 30 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, 0.9 न्यूटन/कूलम हो गए। क्लियर रहे यहाँ तक? क्वेश्चन में डेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डेटा थोड़े बैठे नहीं मेरे से, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को माइंड में करता रहा, ऑटोमेटिक डेटा फिर बिठा लिया, लेकिन बस टाइप ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ठीक है यहाँ तक? हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी होती है, अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी होती है। तो हमें क्या करना है, कूलाम के नियम में भी बलों के लिए भी मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था, बहुल आवेशों के मध्य बल, वही लॉजिक बेटा यहाँ लगाना है कि सर कोई बिंदु है एक Q1 के कारण, एक Q2 के कारण, एक Q3 के कारण, एक Q4 के कारण, सब के कारण आपको अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और उन सबका क्या करना है, उन सबका सदिश योगफल करना है। क्लियर है यहाँ तक? उन सबका क्या करना है, अपने को सदिश योगफल करना है। यही तरीका वहाँ किया था, वहाँ पे एक कोई बिंदु आवेश होता है, उस पर सभी अलग अलग बिंदु आवेश क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और उन सब का हम क्या कर लेते थे, सदिश योगफल करते ही उस बिंदु आवेश पे क्या आ जाता था, परिणामी बल आ जाता था। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है